राम राम सारायणे। क्या अंकित? ठीक है, शायद हम तुझसे कुछ सीखेंगे। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है, वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। हमारे सोनीपत में गांवों में कैसा है, लोगों का स्वच्छता के में विश्वास कैसा है? अब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं स्वच्छता की तरफ। हाँ, सर दिन में 4 से 5 घंटे। आप कोई भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि आप भी इतनी एक्सरसाइज करते हो। मैं ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कत चाहिए, लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। दो चीजों में मेरा अभी डिसिप्लिन नहीं आ रहा। एक खाने का टाइमिंग, और दूसरा सोने के लिए थोड़ा माँ देश को सुलाने के लिए आपको जागना पड़ता है। आपने जो सोशल मीडिया का जी सर कैसे पॉजिटिव उपयोग होता है जी सर, ये परफेक्ट एग्जांपल आपने दिया है। और मैंने देखा है कि आपके कारण काफी नौजवान भी जो है और जो बड़ी बड़ी जिम में जाने वाले लोग थे जी सर, ये भी आपको आप पर एक चीज़ों को फॉलो करते हैं। मैंने एक बार एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा था, किसी बच्ची ने मेरी माँ का जिम ऐसा करके वीडियो रखा था, और उसमें मेरी माँ सुबह से शाम जो काम कर रही है, चक्की चलाती है वो भी उसका जिम है, कपड़े धोती है वो भी उसका जिम है, इतना इफेक्टिव बनाया। अब आपसे मिलने का सपना था वो पूरा हो गया देख लो सर। G20 वाला सम्मेलन देखा, मतलब वो व्यवस्था देख कर, मतलब वो सब इंडिया में होते हुए देख कर, मतलब हर भारतीय ने बहुत गर्व होया इस चीज पे के भाई। आपने देखा होगा हाँ जी, जो भारत मंडपम बना है जी जी, उसमें भी एक पूरा दीवार जी हमने योगा का बनाया है देखा, और वहाँ भी QR कोड लगाया है कि कोई उसको मोबाइल पे ले लेगा तो उसको उस आसन का जी क्या फायदा होता है, कैसे करना है, उसका पूरा डिटेल मिल जाता है। और आपने जो स्पोर्ट्स के लिए किया है, अगर मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन था, इंजरी के मारे थोड़ा सा दूर हूँ स्पोर्ट्स से, पर मतलब देखा करते कि आप जब मेडल आया था खुद पर्सनली फ़ोन करा करते प्लेयर के पास, और आपने फिट इंडिया जैसी मुहिम चलाई खेलो इंडिया, तो उससे खिलाड़ियों ने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलने लग रहा है। आपका जो 75 डेज चैलेंज है उसमें क्या करते हैं? उसमें 5 रूल फॉलो करने लग रहे हैं। एक तो 2 टाइम वर्कआउट हो, उसमें 2 टाइम होना चाहिए। हाँ, 2 टाइम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, एक इंडोर हो एक आउटडोर हो, दोनों आउटडोर हो तो जब भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा 4 लीटर पानी, एक बुक पढ़नी है 10 पेज कोई भी बुक हो, उसमें मैं अपनी पुराण पढ़ने लग रहा हूँ। अच्छा, पहले श्रीमद भागवत गीता पढ़ी थी, इब शिव पुराण पढ़ने लग रहा। और चौथा रूल है उसका स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है। और चौथा बनी एक सेल्फी लेनी है, प्रोग्रेस ट्रैक करनी थी। ये अच्छा है, इसके लिए एक स्वच्छता का संदेश, क्योंकि मैंने देखा है कि धीरे धीरे देश में स्वच्छता के लिए सबकी रुचि बन रही है। परिवार में छोटे बच्चे भी अपने दादा को कहते हैं गंदा मत करो, तो एक अच्छा वातावरण से भी। चलिए अंकित, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, बहुत आगे बढ़िए। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।